डेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। सीरियल साथ निभाना साथिया में रिकी ने कैसे मोरी हाउस से भागकर की पब में पार्टी, उड़ान में चकोर ने कैसे की सूरज को अप्रैल फूल बनाने की कोशिश, ससुराल सिमरका में देखिए क्यों भारद्वाज हाउस से सिमर ने निकाला पीयूष को और वापस लेकर आई खुशी को, वहीं नामकरण में कैसे हुआ सालों बाद दयावंती और नन्नो का आमना सामना। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं कॉमेडियन जेमी लीवर, जिन्होंने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली शेयर किया कपिल शर्मा के शो में परफॉर्म करने का एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छा। अब इससे पहले एक बार मैं कपिल जी के शो पर गई थी और छोटा सा अपीयरेंस था मेरा, लेकिन इस बार एज अ गेस्ट मुझे बुलाया गया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बहुत ही प्यार से कि उनके जो उन वो जिनको रिस्पेक्ट करते हैं मेरे फादर, उनकी मेरे फादर के बारे में उन्होंने कुछ बातें बताई कि और उन्होंने बोला कि जॉनी भाई बहुत अमेजिंग कमेडियन है, मेरे मेंटोर हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी बेटी है जो होस्टिंग कर रही है, ये सारी बातें बताई और मैं उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया इतने प्यार से। वहाँ मैंने परफॉर्म किया और कपिल जी ने कभी मुझे परफॉर्म करते देखा नहीं। हाँ, हमने फिल्म साथ में की है लेकिन कभी परफॉर्म स्टैंड अप करते हुए कभी नहीं देखा, तो वो भी काफ़ी शौक थे क्योंकि मैं बहुत चुप चुप रहती हूँ, तो और फिल्म के सेट पे भी मैं बहुत ही चुप रहती थी और काफ़ी डरती थी कपिल सर ऐसे। पर जब मैंने परफॉर्म किया वो भी एकदम हैरान हो गया और बोलते हैं अरे जेमी तुम तो इतना अच्छा गाती भी हो। फर्स्ट ऑन जूम जेमी ने ये भी बताया कि क्या वो कपिल शर्मा के शो में रेगुलरली परफॉर्म करेंगी या नहीं, क्योंकि कपिल का शो कुछ कॉमेडियंस जैसे कि सुनील ग्रोवर और अली असगर छोड़ चुके हैं, तो उन्हें नए कॉमेडियंस की जरूरत भी है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड आई वुड लव टू गो बैक ऑन द कपिल शो। जब भी बुलाएंगे डेफिनेटली जाऊंगी, कपिल सर तो वेरी लवली विथ ऑल ऑफ अस। आई डोंट नो आई थिंक, बट अभी फिलहाल ये शो पे मैं फोकस कर रही हूँ, तो देखते हैं आगे मौका मिला तो समथिंग इफ इट कैन बी वर्कड आउट वी विल सी दैट, लेकिन फिलहाल ये शो है, आई हैव टू पुट ऑल माय एनर्जी हियर। वेल, जेमी का कपिल शर्मा के शो में एंट्री करना तय नहीं है और साफ तौर पर जेमी ने भी इस पर कुछ नहीं कहा, पर सूत्रों के मुताबिक एक चैनल ये पूरी कोशिश कर रहा है कि सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा का पैच अप जल्द से जल्द हो जाए ताकि उनके इस हाई रेटेड शो की टीआरपी पर कोई असर ना पड़े। सीरियल साथिया में फाइनली रमाकांत निकल आए हैं मोरी हाउस से और आ पहुंचे हैं गुजरात बॉर्डर पर एक पब में, जहां पहुंचकर रिकी यानी कि रमाकांत की मुलाकात होती है कुछ लड़कियों से और वो उनके साथ करता है पार्टी और मचाता है खूब धमाल। वेल, एक तरफ जहां रिकी पब में पहुंचकर करता है डांस धमाल काफी समय बाद अपने पुराने अंदाज में, वहीं जब पब का मैनेजर आता है बिल मांगने तब नशे में रिकी करता है बिल भरने से इनकार, ये कहकर कि उसका बिल उसकी मॉम गोपी मोदी भरेगी, जिसके बाद पब का मैनेजर गोपी को करता है कॉल और इस बात की देता है जानकारी, जिसके बाद गोपी और जग्गी करते हैं बिल भरने की बात और उसे कहते हैं कि आप रिकी को रोक के रखो, हम बस अभी आते हैं। बोनस धमाका में मिलिए तू सूरज में सांझ पियाजी के मेन लीड्स कनक और उमा शंकर से। वेल, सीरियल साथिया में मोदी परिवार के लिए आ गया है मायूसी भरा समय, जब सुनने को मिली रिकी की मौत की खबर। हुआ यूं कि रिकी अपने दोस्तों के साथ डांस बार में मना रहे थे पार्टी, जिसमें खूब जमकर किया डांस और पीली शराब। शराब के नशे में रिकी एक लड़की के साथ जाने लगते हैं बाहर, तभी बार मेंबर्स उनको रोकते हैं, लेकिन वो कहां मानने वाले थे, सभी बार मेंबर्स को धक्का मार कर बाहर निकल जाते हैं। गोपी और जग्गी पहुंचे बार रिकी को ढूंढने, लेकिन रिकी के ना मिलने पर दोनों हो जाते हैं परेशान और तभी बार मैनेजर ने दे दिया 85,000 का बिल और बिल भरने को कहा जग्गी से। तभी जग्गी ने सुना दिया गोपी को कि जितने का बिल है उतने के बर्तन मंजवाएंगे रिकी से। सीरियल शक्ति में आ गया है नया ट्विस्ट, जब सौम्या और हरमन अपनी बहन रावी के हस्बैंड बलविंदर से मिलने पहुंचे और दोनों मिलकर बलविंदर को करते हैं मनाने की कोशिश कि वो अपनी पत्नी यानी हरमन की बहन रावी को कर ले एक्सेप्ट।
सीरियल शक्ति में सौम्या अपने अडॉप्ट किए हुए बच्चे के साथ खेल रही होती है, तभी वहाँ पहुँचती है किन्नर करीना अपने कुछ और ग्रुप के साथ, और सौम्या को बच्चे के साथ खेलता देख सौम्या से बोलती है उसके बच्चे को खिलाने को। और फिर जब करीना बच्चे को लेकर खिलाती है तब उसके सभी ग्रुप के किन्नर बच्चे को उठा उठा कर इधर उधर फेंकने लगते हैं, जिसके बाद सौम्या बच्चे को उनसे छीनने के लिए भागती है, लेकिन वो होती है बेबस और लाचार और घर वाले भी नहीं करते सौम्या की मदद। लेटर ऑन द शो, चकोर ने सूरज को बिठाकर क्यों चलाया रिक्शा। वह एक तरफ जहां सीरियल शक्ति में सौम्या अपने बच्चे को किन्नरों से बचाने के लिए इधर उधर भागती है और हो रही है परेशान, तभी बच्चा किन्नर के हाथ से गिरने वाला होता है, तभी एन वक्त पर हरमन की होती है एंट्री और वो बच्चे को बचा लेता है और फिर किन्नरों को डांट लगाकर भगाता है वहां से। सीरियल उड़ान में चकोर गांव की कुछ औरतों के साथ मिलकर सूरज को अप्रैल फूल बनाने की कोशिश करती है। चकोर बच्चों और गांव की लेडीज के साथ मिलकर सूरज को छेड़ती हैं। सूरज का कुर्ता भी उतारने को मजबूर करती हैं। चकोर की ये सब मस्ती देख सूरज उससे नाराज हो जाता है। सीरियल स्वाभिमान में नैना और मेघना को करना होगा एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट। जी हां, नैना और मेघना अपने पतियों के साथ एक कपल डांस कंपटीशन में करेंगी डांस। नैना और मेघना की सास निर्मला तो नंद किशोर की वजह से इस डांस कंपटीशन में अपने टाइम पर हिस्सा नहीं ले पाई थी, पर वो और दादाजी नैना और मेघना को इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए बोलते हैं। वेल, जब नैना और मेघना ने ये फैसला ले ही लिया है कि वो करण और कुणाल संग करेंगी कपल डांस, तो फोटो शूट करवाना तो बनता है। जी हाँ, आज संध्या ने बुलाया है एक जाने माने फोटोग्राफर को जो इस कंपटीशन के लिए करेगा इन दोनों कपल्स का फोटो शूट। देखिए तो जरा कितने स्टाइलिश अंदाज में नैना और मेघना करवा रही है फोटो शूट, पर दोनों कहीं ना कहीं इस कॉम्पिटिशन को लेकर नर्वस है। सीरियल नामकरण में आज कई सालों बाद दयावंती मेहता और नन्नो का आमना सामना हुआ। शो में लीप के बाद दोनों पहली बार एक दूसरे के सामने आई हैं। दोनों का 36 का आंकड़ा रहा है शो में। जैसे ही आज दोनों एक दूसरे के सामने आती हैं, वहां तभी नील आ जाता है और दोनों को देखकर बोलता है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानती हो, पर दयावंती और नन्नो दोनों ही जवाब नहीं देते। फिर नील बताता है कि ये नन्नो हैं और पार्टी की केटरिंग के लिए आई हैं। सीरियल ससुराल सिमरका में आज अंजलि फिर पहुंची है अपने भारद्वाज हाउस में अपनी मॉम के पास हेल्प के लिए, और इस बार अंजलि माँ सिमर से मांग रही है मदद पैसों की, ताकि वो करवा सके अपनी प्लास्टिक सर्जरी लिप्स की, जिसे सुनकर सिमर कर देती है मदद करने से इनकार, जिसके बाद अंजलि होती है उदास और वो सिमर से कहती है कि आज अगर मेरे पापा प्रेम होते तो वो कभी नहीं करते इनकार। सीरियल ससुराल सिमर का में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जब सिमर खुद अपने हाथों से अपने ही बेटे पीयूष का हाथ पकड़कर निकाल रही है भारद्वाज हाउस से, जिसे देखकर हर कोई हैरान है कि आखिर ऐसा सिमर कैसे कर सकती है। वेल, एक तरफ जहां सीरियल ससुराल सिमर का में सिमर ने अपने ही बेटे का हाथ पकड़कर निकाला उसे घर से, वहीं दूसरी तरफ सिमर खुद ही दोबारा लेकर पहुंची भारद्वाज हाउस में खुशी को, जिसे देख भारद्वाज हाउस में माताजी होती है बेहद नाराज और सुनाती है सिमर को, जिसके बाद खुशी माताजी के पैरों में गिरकर मांगती है माफी और खुद में बदलाव आने की करती है बात, जिसके बाद सिमर माताजी को देती है दिलासा कि अगर खुशी ने दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो उसे धक्के मारकर घर से निकाल देगी, जिसके बाद संकल्प खुशी को लेकर अंदर जाता है। सीरियल गुलाम में वीर करवा रहा है शिवानी का वजन। जी हां, अर्धनारेश्वर बाबा के कहने पर वीर के पूरे परिवार ने शिवानी का वजन बढ़ाने का ले लिया है प्रण, और शिवानी के वजन बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी वीर ने सौंपी थी रंगीला पर। शिवानी का वेट कम से कम 50 किलो होना चाहिए, नहीं तो गुलाम रंगीला को फांसी लगानी होगी। वीर ने रख दी है ये शर्त कि अगर शिवानी का वजन 50 किलो होगा तभी रंगीला की जान बच पाएगी, नहीं तो उसे फांसी चढ़ना होगा। पर ये क्या, शिवानी का वजन तो 50 किलो से कम निकला,
अब देखना ये है कि वीर क्या फैसला लेगा। उसके लिए बहुत बड़ा शौक था बिकॉज वो बहुत मेहनत करके बहुत सारा खाना खा रही है और कुछ भी खा रही है एंड रियल सीन जो मैं करती हूँ मुझे भी खाना पड़ता है, तो रियली में बेचारी शिवानी बेचारी नीति दोनों, क्योंकि दोनों पुट ऑन कर ही रहे हैं खा खा के। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं सीरियल अग्नि फेरा के मेन लीड अनुराग यानी टीवी स्टार अंकित गेरा से, जिन्होंने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए किया खुलासा दो लवर्स के बीच में फंसे उनकी लव स्टोरी के बारे में। दो जो लड़कियां हैं, कानून की गोली और बंदूक की गोली, दोनों अगर किसी से प्यार करती है एक लड़के से, तो लड़के को अपने लुक पे बहुत काम करना पड़ेगा एज एन एक्टर, जो कि मैंने किया पिछले शो में था। एक नेगेटिव थी और एक पॉजिटिव थी, लेकिन यहाँ पे दोनों जो है वो पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है। आइए अब आपको दिखाते हैं सीरियल अग्नि फेरा की रागिनी के बदले हुए अंदाज को। जी हाँ, रागिनी यानी टीवी एक्ट्रेस युक्ति कपूर हाथ में गन छोड़ नजर आ रही है साड़ी वाले अवतार में, और उधर सृष्टि भी नजर आ रही है दुल्हन वाले अवतार में। वेल, चली टॉपअप ने किया सवाल कि आखिर दूल्हा एक और दुल्हन दो, आखिर माजरा क्या है? इस पर क्या जवाब था दोनों का, आइए दिखाते हैं। ये तो अभी विवाह सप्ताह जो आ रहा है मंडे, आज से ही इनको पता लगेगा कि शादी किससे होती है या कोई और आती है या कुछ ड्रामा में क्या होता है, ये जानिए अगले हफ्ते। शो सबसे बड़ा कलाकार का हुआ लॉन्च, जल्द ही टीवी पर आएगा एक टैलेंट हंट शो जिसका नाम है सबसे बड़ा कलाकार, जिसमें बच्चे अपना एक्टिंग का जलवा दिखाएंगे। इस शो का मुंबई में हुआ लॉन्च, जहां शो के तीनों जजेस बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन, एक्टर बमन ईरानी और अरशद वारसी मौजूद थे। शो को होस्ट करेंगे एक्टर जय भानुशाली और मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन करेंगी किड्स टैलेंट हंट शो सबसे बड़ा कलाकार को जज। जी हां, रवीना जल्द ही टीवी पर नजर आएंगी प्यारे प्यारे बच्चों को जज करती हुई और करेंगी बच्चों संग ढेर सारी मस्ती। चलिए जानते हैं रवीना से इस शो के बारे में। वेल, ये बच्चों का एक ऑलराउंडर टैलेंट शो है जहाँ हम इनकी परफॉर्मेंसेस देखते हैं और इनको जज करते हैं, एंड मोस्टली यूएसपी इस शो का ये है कि हमारे पास एक गुरु शिष्य की जोड़ी है। हर जो हमारे फाइनलिस्ट हैं दे आर बीइंग ट्रेन्ड बाय आवर गुरुज और वो साथ में परफॉर्म करते हैं, एंड आई थिंक इट्स वंडरफुल। एक्टर बमन ईरानी और अरशद वारसी एक साथ फिर दिखाई देंगे, पर इस बार किसी फिल्म में नहीं बल्कि एक टेलीविजन शो में। जी हां, दोनों बने हैं शो सबसे बड़ा कलाकार में जज, और जूम से की उन्होंने अपने शो के लॉन्च पर खास बातचीत और बताया अपना जजिंग एक्सपीरियंस। इट्स नॉट अबाउट अस, आई एम वेरी क्लियर, कोई वजूद नहीं है यहां पे। जो 4 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे, उन्होंने हमारी बैंड बजा रखी है। कमिंग अप ऑन द शो, कहां हुई तुलसी और मिहिर वीरानी की मुलाकात? 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम चली टॉप अप। शो सबसे बड़ा कलाकार को होस्ट करेंगे जय भानुशाली और जॉनी लीवा की बेटी जेमी लीवा। जेमी बहुत ही अच्छी कॉमेडियन है और अब वो इस शो के साथ होस्ट बनने जा रही हैं। चलिए जानते हैं कि किस तरह से होस्टिंग करेंगी वो। हाँ, मैं कॉमेडियन हूँ और नॉर्मल होस्टिंग तो मैं करूँगी नहीं, जैसे जय करते हैं और करते आ रहे हैं इतने सारे शोज़ में, कमाल की होस्टिंग करते हैं, लेकिन उनकी होस्टिंग अलग है, वो अपनी जगह है। लेकिन मुझे इसीलिए इस शो से जुड़ा गया है क्योंकि मैं कॉमेडी करती हूँ और वो चाहते हैं कि मैं अपनी कलाकारी भी दिखाऊँ बार बार। बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं मोस्ट पॉपुलर सीरियल दिया और बाती हम सीजन 2 यानी सीरियल 2 सूरज में सांझ पियाजी की मेन लीड कनक और उमा शंकर, जिन्हें जूम के कैमरा ने किया कैद उनके ब्राइडल वाले अवतार में, और जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कनक और उमा ने किया खुलासा एक दूसरे के ब्राइडल लुक के बारे में। मुझे इनका लुक बड़ा रॉयल लग रहा है, मुझे फील आ रहा है कि मैंने एक राजा से शादी की, लेकिन जो थोड़ा यहाँ से बट या हिज लुक इज रियली गुड। I like the small detailing. बताइए थोड़ा सा। हाँ, आप देख सकते हैं कि ये जो चेन है जो कोट पे, ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। I have never seen it before. So it's very nice. मतलब ये गांव में रहने के बावजूद इतना अपना मेंटेन करके रखते, इतने
अपने आप को यू नो वेल आयर्न एंड वेरी नाइस सूटेड बूटेड रहते हैं विद शेरवानी एंड कोटी एंड ऑल दैट. पहली बार इन्हें देख के बस बदोश ही हो गया था और उसके बाद अब इन्हें जब शादी के अटायर में देखा तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ऊपर से नीचे तक रानी की तरह बात करते हुए कनक और उमा ने किया रिवील अपने सेम डमरू वाले लॉकेट के बारे में जो नजर आया दोनों के गले में. आप सीरियल की दुनिया में इस नई नवेली जोड़ी के इस ब्राइडल लुक से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज. पॉपुलर टीवी शो उड़ान की चकोर ने चलाया रिक्शा, वो भी सूरज को पीछे बिठाकर. अब आप सोच रहे होंगे कि सीरियल में अब ये कौन सा ट्विस्ट आने वाला है जिसके बाद चकोर को चलाना पड़ेगा रिक्शा. तो आपको बता दे कि ये है शो के प्रमोशंस का हिस्सा और चकोर एके मीरा देवस्थले और सूरज यानी विजेंद्र कुमेरिया पहुंचे हुए हैं लखनऊ प्रमोशंस करने. और मीरा ने लखनऊ की सड़क पर विजेंद्र को बिठाकर चलाया रिक्शा और लिखा फन फन डे विद प्रमोशंस विजेंद्र कुमेरिया. टीवी पर के वेरी टैलेंटेड स्टार और कोई लौट के आया है कि ऋषभ एके शरद केलकर को रिसेंटली एक खास शख्स ने दिया सरप्राइज उनके सेट पर सरप्राइज विजिट करके. और ये खास शख्स कोई और नहीं बल्कि उनकी क्यूट डॉटर कीशा हैं जो पहुंची अपने डियरेस्ट डैड से मिलने और शरद कीशा के सरप्राइज विजिट से हुए काफी खुश. शरद की को स्टार एक रूप बेदी ने अपने सोशल हैंडल पर शरद और उनकी बेटी की पिक्चर पोस्ट करते हुए लिखा व्हेन दिस शाय क्यूटी पाई विजिटेड KLKAH सेट्स कीशा. पॉपुलर शो शक्ति की सौम्या यानी कि टीवी स्टार रुबीना दिलायक को आपने योगा और एरोबिक्स करते तो देखा ही होगा. लेकिन अब रुबीना को मिल गया है एक नया पैशन जिन्हें रुबीना आजकल खूब एंजॉय कर रही हैं. आपको बता दे रुबीना का ये नया पैशन है हॉर्स राइडिंग जिसकी पिक्चर रुबीना ने शेयर की है अपने सोशल हैंडल पर और दिया ये कैप्शन मीट फायरवर्क माय न्यू राइड माय न्यू पैशन. आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल बेहद में आए न्यू ट्विस्ट से. देखिए कैसे लीप के बाद बदला हुआ है अर्जुन और माया का अंदाज. दोनों एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं चाल लेकिन अर्जुन से एक कदम आगे है माया. नागिन 2 के रॉकी करणवीर बोरा हैं सोशल मीडिया पर फुली एक्टिव और करणवीर अपने सोशल हैंडल पर अपने इंडस्ट्री फ्रेंड से भी रहते हैं कनेक्टेड. और हाल ही में करण ने अपने राइटर कम प्रोड्यूसर फ्रेंड संदीप सिकंद और उनकी टीम को उनके न्यू सीरियल ढाई किलो प्रेम के लिए दी बेस्ट विशेस. टेक अ लुक. द कपिल शर्मा शो का हिस्सा रहे चंदन प्रभाकर के लिए आई है खुशखबरी. जी हां चंदन के घर आई है नन्ही मेहमान. चंदन बन गए हैं क्यूट डॉटर के प्राउड फादर और अपने सोशल हैंडल पर चंदन ने अपने क्यूट डॉटर की अडोरेबल पिक्चर की है शेयर. चंदन ने लिखा मी एंड माय डॉटर नो वर्ड्स फॉर दिस फीलिंग लव. टीवी इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एक्ट्रेसेस सरगुन मेहता ने जीता अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड. सरगुन को उनकी पंजाबी ब्लॉकबस्टर फिल्म लव पंजाब के लिए मिला फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड. और प्राउड हबी रवि दुबे ने सरगुन के साथ ब्लैक लेडी को किस करते हुए ये पिक्चर की है शेयर. क्योंकि सास भी कभी बहू थी की तुलसी वीरानी और उनके ऑन स्क्रीन हस्बैंड मिहिर वीरानी की हुई मुलाकात वो भी प्लेन में. जी हां रिसेंटली कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी और फिल्म्स और टीवी के टैलेंटेड एक्टर रोनित रॉय की हुई प्लेन में मुलाकात और कोइंसिडेंटली दोनों को एक दूसरे के बगल में मिली थी सीट भी. रोनित ने दोनों की पिक्चर सोशल हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा व्हाट आर द चांसेस सो लवली टू मीट स्मृति ईरानी इन द फ्लाइट. Minute ka full recharge. Zoom Tele Top Up. For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.